जिस मीडियम से रे आ रही है उसी मीडियम में चली जाती है, तो भी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और डायमेंशन दी जाती है। अब यहाँ पे हम इसे जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे नाम दिया जाता है, रिफ्लेक्टेड जब रे आती है तो उसे इंसिडेंट रे बोला जाता है, और जो जाने वाली रे है मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, उसे रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इसे क्या बोला जाता है, इसे नॉर्मल बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है, इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। और साथ ही में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है। एक बार फिर से